आज गंगा माँ का एक बेटा गंगा माँ की अविरलता और निर्मलता के लिए और गंगा के ऊपर कोई अतिक्रमण न हो, गंगा मैली ना रहे, गंगा अविरल बहे, निर्मल बहे और गंगा के ऊपर गंगा का कानून बने ताकि गंगा को कोई प्रदूषित न कर पाए, इन मांगों को के लिए अपना जीवन का बलिदान देने वाला गंगापुत्र जीडी अग्रवाल उर्फ स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद आज हमारे बीच नहीं है। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद को भारत की सरकार, उत्तराखंड की सरकार ने हत्या की है, यह निश्चित है। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद कल 1 बजे तक दोपहर तक जीवित थे। कल सुबह उन्होंने स्वयं अपने हाथ से एम्स ऋषिकेश के निदेशक को पत्र लिखा कि हम आपके लिए, आपकी चिकित्सा के लिए हम स्वतंत्र हैं कि आप इसके लिए हमारा इलाज करें, हमें अपनी औषधियां दें और हम अपना जो वचन है कि हम औषधि नहीं लेंगे, हम आपकी बात से सहमत हैं। और उन्होंने वो पत्र पूरे देश के लिए अग्रसारित किया। 1 बजे दोपहर तक कल स्वामी सानंद जीवित थे। अचानक क्या हुआ कि उनकी हृदय गति रुकने का एम्स के निदेशक प्रोफेसर रविकांत का दावा नितांत थोता है, धोखा है और देश की जनता के साथ और राष्ट्र की गंगा भक्तों के साथ पूरे धोखे के सिवा और कुछ नहीं है, एक छलावा है। और सबसे बड़ी बात, गंगा पुत्र के नाम से विख्यात प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के जीवन को लेने वाला एम्स ऋषिकेश का डायरेक्टर रविकांत, उत्तराखंड सरकार और हमारी केंद्र की मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। इन्होंने प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की हत्या की है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए कि ऐसा गंगापुत्र जिस वैज्ञानिक को हिंदुस्तान नहीं दुनिया गंगा के वैज्ञानिक के रूप में जिसकी ख्याति थी, जो आईआईटी कानपुर का एचओडी रहा, पर्यावरण विभाग का विभागाध्यक्ष रहा, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का परमानेंट सेक्रेटरी रहा, जिसने आज से नहीं जो हिंदुस्तान में सिंचाई के लिए बांधों की स्थापना का जनक रहा, बांधों की तकनीक का जनक रहा, उस स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद को जिसने अपनी इन 4 मांगों पर कि गंगा के लिए कानून बने, गंगा अविरल बहे, निर्मल बहे, खनन बंद हो और गंगा के लिए एक ऐसा कानून के तहत एक समिति बने जिसमें गंगा भक्त हों और वो गंगा भक्त गंगा की निर्मलता अविरलता के लिए हमेशा काम करें और उनके लिए जिम्मेवार हों। भाई राजेंद्र सिंह जो मैग्सेसे अवार्डी है, जिन्हें दुनिया के 50 अवार्ड मिले हैं, जन पुरुष के नाम से विख्यात है राजेंद्र सिंह, इन उनके अभिन्न साथी के रूप में 33 साल का साथ, उस राजेंद्र सिंह की भावनाओं को भी एम्स के निदेशक रविकांत ने नहीं समझा। हमारे पर्यावरणविद प्रोफेसर एमसी मेहता, जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उनके पत्र को केवल के स्वामी जी के अंतिम दर्शन, हमारी भारतीय परंपरा में किसी मृतक के अंतिम दर्शनों का अधिकार उसके परिवार और उसके जीवन के जो संग रहे हैं, जो जीवन में अभिन्न मित्र रहे हैं, जो उनके छात्र रहे हैं, उनको दर्शन करने का अधिकार होता है। और जो मातृ सदन जहां उन्होंने इतने दिन तक तप किया, अनशन किया, उसके
स्वामी जी को दर्शन करने का अधिकार न देना, उनके भक्तों को अधिकार न देना और उनके दर्शन न कराने का निर्णय एम्स ऋषिकेश का डायरेक्टर किस हैसियत से करता है जब तक कि उसके ऊपर से दबाव नहीं है। कोई कानून ऐसा नहीं है कि मृतक के अंतिम दर्शन न किए जाएं। हमारा भारतीय इतिहास, हमारी परंपरा इस बात की गवाह है कि मृतक के अंतिम दर्शनों का अधिकार उसके परिवारी जनों का होता है, परिवार के मित्रों का होता है, उसके अनुयायियों का होता है, उसके समर्थकों का होता है। और जो उन्हें अपना गुरु मानते थे, जिन्होंने उन्हें अपना गुरु मानते हुए गंगा के लिए अपना जीवन समर्पण किया, उन लोगों को उनके अंतिम दर्शन से वंचित रखना कहाँ का न्याय था। आखिर में एमसी मेहता जी के पत्र को, पत्र प्राप्ति की स्वीकृति न देना, रिसीविंग न देना, ये क्या कानून है? अगर किसी चौकी पर भी आप कोई शिकायत करने जाते हैं, किसी अधिकारी के कार्यालय में जाते हैं, अपना आवेदन पत्र देते हैं, उसका स्वीकृति पत्र आपको मिलता है, लेकिन वहाँ स्वीकृति पत्र पर दस्तखत तक नहीं किए गए, उस पर मोहर तक नहीं लगाई गई, ये कहाँ का न्याय है? और एम्स के निदेशक ये कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी बॉडी दान कर दी थी। बॉडी दान करने के पास उपरांत भी क्या उनके दर्शन करना, किसी को दर्शन के अधिकार से वंचित करना, किसी व्यक्ति के अंतिम दर्शन करने का, उसके भक्तों को उस मौलिक अधिकार का हनन करना, ये कहाँ का न्याय है? अंत में जब एम्स प्रशासन ऋषिकेश का इस बात पर अडिग रहा कि हम उनके दर्शन नहीं करने देंगे, तो भाई राजेंद्र सिंह, भाई रवि चोपड़ा, एमसी मेहता के नेतृत्व में वहां सैकड़ों लोग एम्स के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। भाई राजेंद्र सिंह का बयान, एमसी मेहता का बयान इस बात का साक्षी है। और उसके उपरांत जब वहां उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आना शुरू हुआ, उनके समर्थकों की भीड़ बढ़नी शुरू हुई, तब पुलिस प्रशासन, नगर का अतिरिक्त मजिस्ट्रेट एसडीएम आए और उन्होंने कहा कि हम आपको दर्शन करने की अनुमति देते हैं, जैसे कि हमारे ऊपर वह कोई कृपा कर रहे हों, कोई उपकार कर रहे हों। अंततः हम लोग गए और हमने स्वामी जी के अंतिम दर्शन किए, और अंतिम दर्शन के करने के समय ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमारा कोई पिता, हमारा गुरु हमसे जा रहा है, हम उसे विदाई दे रहे हों। जिनके लिए, कि जिन लोगों ने हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया, जिन लोगों ने उनके भक्तों को उनके अंतिम दर्शन करने से रोका, हमें 6 घंटे बिठाले रखा गया शांतिपूर्ण। हम लोग केवल शांतिपूर्ण दर्शन करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार प्रशासन ने हमको इस काबिल भी नहीं समझा कि हम उनके शांतिप्रिय दर्शन कर सकें। अंततः जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने अंततः इस बात को महसूस किया और हमें दर्शन कराने दिए। दर्शन कराने के बाद हम लोग उनके मूल स्थान, जहां स्वामी जी ने 111 दिन तप किया, अनशन किया और माँ गंगा के लिए कानून बनाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, देश के लिए एक संदेश दिया कि मेरे जाने से गंगा की अविरलता का संघर्ष खत्म नहीं होगा, यह लगातार चलेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन गंगा की अविरलता, निर्मलता और उसके कानून बनाने का संघर्ष, आंदोलन अनवरत चलेगा। स्वामी गोपालदास जी का अनशन
मात्र सदन में निरंतर लागू है। आज से उन्होंने अनशन पुनः शुरू कर दिया है, जबकि वह 111 दिन से उत्तरकाशी में अनशन कर रहे थे। आज वह स्वामी जी के अंतिम दर्शन करने आए थे, क्यों स्वामी जी के आशीर्वाद से ही उत्तरकाशी में वो अनशन करने के लिए उन्होंने उत्तरकाशी को चुना था। अब देश भर में आंदोलन होगा, धरना होगा और यात्राएं होंगी। गंगा सद्भावना यात्रा उत्तराखंड की गोमुख से गंगा सागर तक लगातार जारी है। देश के विभिन्न महानगरों में, नगरों में, राजधानियों में गंगा यात्राएं होंगी। गंगा के लिए धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे और गंगा भक्त इसके लिए गंगा की अविरलता निर्मलता के लिए कुछ भी करने के लिए अब स्वतंत्र है।